नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। ये नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। दार्जिलिंग जिला युवा कांग्रेस समर्थकों ने शुक्रवार को पेट्रोल व डीजल तथा रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। जी हाँ, शुक्रवार को सिलीगुड़ी के हाशमी चौक स्थित पार्टी कार्यालय के सामने से कांग्रेस समर्थकों ने महंगाई के खिलाफ विरोध रैली भी निकाली। बता दें कि रैली में तीन पहिया वाहन को रस्सी से खींचते हुए व अन्य वाहनों को पीछे से धक्का देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। कांग्रेसी नेताओं ने दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों की जिम्मेदार ठहराते हुए इसकी कड़ी आलोचना भी की। कांग्रेसी नेताओं ने कहा है कि कोरोना काल के बाद गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति शोचनीय है, ऊपर से दिन प्रतिदिन आकाश छू रही महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी है, गरीबों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से महंगाई कम करने की दिशा में कारगर कदम उठाने की भी मांग की है। Thank you.